ऋषभ की मम्मी जो है हमारे मतलब मेरे को क्या छात्रावड़ी वगैरह के अंदर ऐसे भुना जीरा अच्छा लगता है कितनी केयर करूं मैं और फिर भी देखे मेरी मम्मी यहाँ कर मन यहाँ कर हालांकि माँ जितनी केयर मैं कौन कर सकूं पर मन भी यहाँ नीचे ना पटक्या करो यार मम्मी ले माँ जितनी केयर की करने की कोशिश करो थान दे रहे हैं माँ जितनी केयर अलग हुए अलग तो हुआ है मैं भी बहुत करूँ यार अभी ऐसा क्या मेरे को इतने सारे बर्तन भी गिफ्ट दे रहा हूँ मैं आजकल की छोरे हूँ अब जो शादी करके बिरने में आ रही है यार काम कुम को सिस्टम में देख लिया उपचू की काम का बता दीजो जे अच्छा। नहीं मेरे हिसाब से अच्छा लग रही है क्योंकि मोटा मोटा से थोड़ा दो तीन जीरा जीरा सा दिखबो कर अच्छा लग रहा है छाछ भी बनाऊंगा ताता नहीं ठीक है बाय आज मैं भी बस जरा फटाफट से अब बर्तन साफ करके नहाऊंगी आज है हैप्पी तीज पति देव पर झूला झुलाया गया बींद सुन रहे होगे झूला झुलाया गया बींद सुन हुए कच्ची का जैसे थे सुन गुरु का यो भाई यूं आए ओके ओहो सावन का लहरिया कान्हा जी भी आए हैं यशविनी आज जल्दी कान्हा जी झूला झूलेंगे कान्हा जी कान्हा जी की कैप देखो कैप रह गई थी मम्मी कान्हा जी की कल देखा ये रही सेम वही मतलब कपड़ों के डिजाइन की कैप या बड़ी भी है छोटी छोटी है अच्छा नहीं सही लग रहा है कान्हा जी कान्हा जी भी मैम कान्हा जी है ना वो नहीं करेंगे क्या झूला आज सावन झूला के लेके आएंगे छोटी है जो पहले खेल ये बड़ी है ये बड़ी है ये गिर जाती है ये जरूरी अच्छा ये चांदी का वो आगे बांध रखा है क्या ऐसा हाँ ओके तो ये वाली पहना दो ना ये वाली पहना दीजिए हाँ ये पहना दो तो गाइस मैं रेडी हो गई हे यीशु आप कैसी लग रही हो दिखा दो ये छोटी किससे बनाई है आज पहली बार वो क्या मेरी जो ऑडियंस है ना मैम वो मेरे हेयर स्टाइल चेंज करो ऐसे करके मेरा तो ऐसे हो गया कि अब हेयर देखने लग गया माथा तो फाइनली आप अच्छी लग रही है क्या हाँ बिल्कुल ये नहीं ट्राई किया करो मम्मी के नेल पेंट का बोल रहे हो क्या मेहंदी का भी बोल रहे मेहंदी का बोल रहे हो पता मेहंदी का कौन है ना पता नहीं कहाँ कैसे खो गया मिल ही नहीं रहा अब 5 मिनट आ गए नहीं पर अच्छे लग रहे हो आप फाइनली ये लुक अच्छा लगा आपको ठीक इसीलिए आपने खुद ने बनाया मैंने खुद ने कोशिश करी है देखो आजकल इसका नहीं देखा आपने हम यही देख रहे थे कि आजकल ये क्या हो गया जो अच्छे से बाल बना के आ रही है अच्छा आज आप क्या पहन के आए थे मेरे को बताओ स्कूल में स्कूल ड्रेस नहीं आप रुको ड्रेस नहीं बोलते हैं क्या पहन के आए थे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के तो गाइज आज है ना आप सबके कहने पे मैंने मेरी हेयर स्टाइल चेंज करी है मतलब मेरी जो मम्मी नहीं है क्या चिराना वाली मम्मी वो है ना पहले पुराने जमाने में ऐसे करते थे मतलब ऐसे बाल को लेके और यहाँ पे क्लिप लगा देना और इधर से बाल को लेके और यहाँ पे क्लिप लगा देना ऐसे हाँ यशु क्या और मैं 1.5 घंटे से है ना गाइज है ना वेट कर रही हूँ सपना का उससे पहले तो मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यार आजा वो अपने व्लॉग में आपको बता देगी कि कैसे क्या हुआ था मतलब मैं नहीं बता सकती सॉरी उसके लिए और मैं भी बताती हूँ गाइज मैं भी तैयार होके आ गई हूँ ये देखो हमारे मम्मा हुकुम ग्रीन आप बताना कैसे लगे थोड़ा सा ऐसे करती हूँ मैं हरियाली तीज में हमारे मम्मा हरे भरे हो गए और मम्मी की मेहंदी देखो गाइस मम्मी को ना पापा प्यार बहुत करे लगाई किससे ये देख लो मेरे जान को आदमी आर्टिस्ट ही कर सके इतना को जगह अच्छा, मम्मी मैम कैसा मेहंदी कैसे लगी इसकी तो बड़ाई करी नहीं आपने यार दिखाओ किसने बनाई है मैम देख लीजिए मेरा पति है
थोड़ा सा निहारूंगी क्या ज्यादा आजकल आपकी भी मैं ना हेयर स्टाइल चेंज करती रहती हूँ ना, अब बोलो मैम को कि कल मैं दूसरी हेयर स्टाइल करके आऊंगी है ना, रोज रोज अलग अलग बदल के। हाँ एक पापा इतना ज्यादा मन रील भेजे है, इतना ज्यादा रील भेजे है, आ बना दो एक आ बना दो, मैं कि इतनी भी एक्सपर्ट को नहीं कि मैं थे तो हर क्यों भेज रहे और मैं हर क्यों बना दूंगी। हाँ बताओ। नहीं फोन चला के कर सके आदमी, कर क्यों कर सके। मैं गाइस और तो ज्यादा कुछ नहीं करती लेकिन सब्जियां बनाती हूँ फोन देख देख के, तो वैसी बना देती हूँ। मम्मी सब्जी बनाते हैं और यशविनी को भी हमने ना लहरिया वियर करवाया है इसका, वैसे राजपूती ड्रेसेस हमने नहीं करवाई जाता है ताकि मैंने टाई नहीं कर रखी, इसलिए गाइस आप बोलोगे वो ने ऐसे कर रखा है आपने ऐसे, तो इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है जैसे ये दिखी। मम्मी व्हाइट बाल कौन दिखा बो चावे मैं बताऊ था ने मम्मी सारे मावे ला जावे कहीं बतावा था मम्मी लियो तो इनके है मम्मी रक्षाबंधन को करेंगे लिया तो रखी है डाई डाई ला रखी है नहीं मिला गाइस मतलब हेयर कलर करते हैं हमारे मम्मा ऐसे आपके साथ है ना थोड़ा कंफर्ट नहीं रहते आपके साथ ही नहीं मतलब व्लॉगिंग तो मैंने चलो ये 2-3 साल में स्टार्ट करी है बट उससे पहले भी मम्मा है ना एकदम टिप टॉप रहते हैं। मैं तैयार हूँ उनकी गाइस मेरे को शौक है शौक बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो भुआ आई यानी की आएगी नहीं तो हमारे तो रोग रसो डूज रसो ये है समझो। और देखो आज मैं वो करी हूँ गुड़िया का क्या करोगे वहाँ पे इसको मत लेके जाओ यशविनी है वैसे डरावनी है मैं डर जाती हूँ इस गुड़िया से नहीं। और ये कान्हा जी नहीं लोगी क्या आप नहीं नहीं आप अपनी गुड़िया ही रखो कान्हा जी को मैं रखूंगी तीज बना बा चाला चाला चालो सा चालो सा ए माखा कान्हा जी भी मेरे साथ के झूल सी आप अपनी गुड़िया का ध्यान रखो यशविनी आप तो गुड़िया का पूरा पूरा ध्यान रखना सपना मेन रोड पर ही ले ले तो अभी सपना का वेट कर रहे हैं हम ये 200 फुट पुलिया है ना उसी के जस्ट पास में उसने बोला था कि है ना यहाँ क्योंकि ना हमारी जो है ना खिंडी फाटक है ना उसके नीचे की साइड इतना भयंकर जाम हो जाता है मतलब बारिश के टाइम क्योंकि नीचे क्या पानी इकट्ठा हो जाता है उस वजह से तो उसको आधा घंटा हो गया उस जाम के अंदर फंसी हुई है। अब वो बोल रही है कि मैं रोड महल तक आ गई अब बस तेरे पास 2-3 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगी। हाँ पहुंच ही गई है 15 16 17 18 19 20 आज भयंकर परेशान कर दिया आज तो मुझे है देख मेरे पास कैसे टूट के आती है तेरे पास भी नहीं आती है। हेलो चिया चिया रानी लहरिया वेयर करके आई है गाइस देखो नहीं 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 यशविनी का भी लहरिया है और चिया रानी का भी लहरिया है ये दोनों देख ले रही है सेम ड्रेस यार मैं पहना लाती बताओ मुझे नहीं पता था चले देखो चिया देख अच्छी ये भी खुश है कि टावर के माइंड में जोरदार घुस गई हूं दोनों बहनें देखो किशु इधर दिखाओ हाँ ये लहरिया लहरिया पहन के और गाइस इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है आज ये इस धोखे के बारे में खुद ही बताएगी अपने मुंह से ये धोखे प्यार हाँ मैं बताती हूँ गाइस मैं जरूर बताऊंगी सही बताओगी फिर वो सपना नहीं है सपना ने मेरे को ये बोला था कि यार है ना मैं ड्रेस कैसे निकालूं बेड को उठाने वाला नहीं है या मेरे हस्बैंड होते तो वो उठा देते तो मैंने इसको बोला मैं कि नहीं यार प्योर का कोट ना डाल ले 4 मीटर है ना तू सूट पहन लेना और भोपाल जाइए रानी तो गाइस रानी ये देखो हमारी सुरभि रानी रानी मोगा हाय यहाँ पे तो गेम्स वगैरह हो रहे हैं उसको लेके ये सिया को लाई ना सपना है अंदर तो चल गेम वगैरह देखा तो सही कर जीतूंगी अब ठीक है जीत क्या गिफ्ट मिलेगा अभी भी
हाँ हाँ क्वेश्चन आंसर पे दीजिए होगा ये स्केल में से थोड़ा सा ना मेरा झूले पे वीडियो बनाते फिर बारिश आ जाएगी फिर चलते हैं आपके साथ एक फोटो। तो गाइज फाइनली हम फंक्शन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके हमने देखा मतलब काफ़ी सारे गेम्स वगैरह हो रहे थे और कुछ मेरे सब्सक्राइबर भाई साहब भी मिले मुझे, तो उनके साथ मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। और हमारी जो यशविनी है वो कुहू के साथ एकदम खुश रहती है, मतलब कोई भी बच्चा चाहिए यशविनी को। पर है ना हम पहले एक बार है ना होटल में गए थे ना, उस टाइम है ना यशविनी ने कुहू को है ना धक्का दे दिया था, तो मैं डर भी रही थी साथ में कि यशविनी है ना फिर से है ना वो काम ना कर दे, क्योंकि उसके कुहू को काफ़ी लगी थी उस टाइम। और यहाँ पे काफ़ी सारे भाई साहब मिले मुझे, इनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई। पहली बार ही हेयरस्टाइल चेंज करी और अब जैसे ही मैं फोटो वगैरह क्लिक करवाऊंगी फिर उसके बाद में है ना झूला झूलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबी लाइन है। सुबह से मैं वेट कर रही थी ऋषु के पापा का, क्योंकि मैं उनके साथ झूला झूलना चाहती थी, बट वो अभी तक नहीं आए, वो गए हुए हैं फार्म हाउस। और मुझे ना वो वाला झूला बहुत ज्यादा पसंद है जो गाँव में नहीं होता, बड़ा सारा पेड़ होता है और रस्सी से है ना वो है ना झूला झूला जाता है, मैं उबकले भी बहुत खतरनाक मचकाती हूँ अब। बट यार यहाँ तो वो वाला झूला मुझे मिलने वाला नहीं है, तो ये ही झूला ठीक है, मतलब ना मामा बिच काणो मामू ही चोखो। तो यहाँ पे मैं झूल रही हूँ झूला, झूला काफ़ी छोटा था, मतलब बच्चों टाइप लग रहा था मुझे, पर फिर भी मैंने मेरी रील बनाने की पूरी कोशिश करी है। और आप हमारे जो मम्मा हुकुम है उनको तो जानते ही हो, मम्मी ऐसे बोल रही है कि यार तुम मेरी भी बनाना, मैं तो तेरे से कम हो गया। फंक्शन हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं और मम्मी और सपना जा रहे हैं घर पे, क्योंकि घर से आ गया था ऋषु के पापा का कॉल कि आ जाओ यार है ना फिर अपन है ना अपने वाले झूले को डेकोरेट करके और फिर उस पे आपको मैं झूला वगैरह झुलाऊंगा और साथ में रील भी बनाऊंगा। देख ले ऋषु ऊपर से आया चैन लेवा लोटो बिड़ा देगो लोटो बिड़ा देगो दादी सास से जब तक आ गई यार हां दादी सास से रिश्ता तो डब्बा में है हां मम्मी रिश्ता तो डब्बा में रिश्ता है पति से कैंसिल से क्या कर रिश्ता करवाते मेरा हार्ट अटैक आ गया। खाना वाओ चिया चिया तो चुगले खा लेगी चिया लेगी सट देनी जी जा मोमोज ले जाओ नहीं मोमोज ये पकड़ रही मीठा तो खाता तेरे सासू का ना मीठी मीठी रही मीठू तेरी माँ का सोना सिटी ले आई मेरे खाते ये मटकी तोड़ के जाएगी मेरा दे 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 क्या चिया अति से बूंदम को सामने ले भी कम ये बनाया कर अच्छा क्या वो चिया तू हमेशा से बना अरे नो 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 चिया रानी सुन अच्छे से यहाँ मतलब बच्चियाँ वो क्यूट लगे ना घर में सो प्रीति हमारे कर रही है ऊपर का झूला डेकोरेट, तो ये जहाँ हम जाके हैं ना वहाँ मज़ा नहीं आया तो ऊपर ही झूला था प्रीति के टेरेस पे, हम वहीं आ गए और सब सामान था। ये सही है प्रीति तू इससे हैवी हो गया और बस हम दो ही है और हम दो ही है झूलने वाली अच्छा अच्छा हाँ अब के तो कर दिया प्रीति तेरे का सब काम है ना। यस ये देखो सासू माँ अपनी चिया के लिए कर रही है झूला तैयार लगा लगा इसको भी हैवी हो जाएगा वाओ देखिए खुद बोल रही है
अरे वाओ चिया, गुस्सा नहीं करना। देखना चिया को मैं बोलूंगी ना गुस्सा करो। चिया गुस्सा करो मत करवा। इधर गाइस इनकी रील बन रही है दोनों माँ बेटी की। मेरा प्यारा सा सोना सा बेटा है, ये मेरा बेटा क्या खा रहा है चांद यार। ना मैं सुबह में वेट कर रही हूँ था को। ओहो ओहो क्या सपना, मैं सुबह में वेट कर रही हूँ बता। ये इनको बिंदु है क्या कोई, कितनो वेट कर रही हूँ मैं। देख यहाँ देख देख तू है। सुनो अमन झूलो दे और बहुत सुन करो पूरो ले आज आओ ना। पसंद है मन नहीं लगा क्या आता नहीं मन लगा थोड़ी सी 18 साल की हो जाओगी ना और ड्राइविंग जरूर सीखेगी। तो मन लगा पहले ही सीख ली। पानी पियो मम्मी, इधर आओ बहुत देर हो गई चांद, इधर आओ। इतनी देर नहीं रहती बिल्कुल, पानी पीना चाहिए। चांद का टुकड़ा बोल। मेरा चांद का टुकड़ा है ये छोटा सा। नहीं चांद का टुकड़ा नहीं है। तो क्या है? पिछली वाली नहीं मंगाई है बाबू जी, मुझे नहीं पता कौन सी क्या होती है। स्पेशल वाली कौन सी होती है? स्पेशल वाली थोड़ी अच्छी होती है, पत्ता गोभी देते हैं उसके अंदर है। हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था, बोल तो फिर। बदमाश नॉटी। हाय, तो सब अपने अपने घर पे चले गए गाइस। और आज का जो मेरा दिन था ना, पूरा का पूरा ऐसे, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना बिजी था सुबह से लेके शाम हो गई। अभी तक मैंने ये देखो, मैं लमलेट नहीं हुई अपने बेड पे। अब बस रिशु के पापा को जस्ट मैंने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि मैं हूँ मम्मा के घर पे, क्योंकि मैंने गाड़ी भी देख ली थी मम्मी के घर पे, नीचे लगी हुई थी उनकी वाली गाड़ी, ये देखो ये दी। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी वहीं आ रही हूँ, चलो थोड़ी बातें बातें करेंगे मम्मा से और फिर उसके बाद में घर पे जाएंगे। ये लो यशुरानी पहुँच गए। यशुनी प्रॉमिस करो पहले कि आप ना रोते रोते नहीं आओगी। अरे भूतनी डरा दिया मुझे, गुस्सा करो। और यशविनी भी बहुत चोखा लगे। तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करना चाहूँगी कुछ फोटोज़ के साथ। और मेरी जो हेयर स्टाइल है वो आप सबको कैसी लगी? मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। बाय, गुड नाइट।